चुनाव नजदीक है और आज टीवी 9 नेटवर्क ने अपने सर्वे किए हैं, चुनावी सर्वे आ चुके हैं। उत्तराखंड की अगर बातें करें तो उत्तराखंड में 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। मेरे साथ उत्तराखंड के हरिद्वार लोकसभा के लोग यहां मौजूद हैं। क्या लगता है उनको इस सर्वे के बारे में, क्या लोग कहते हैं? सीधा लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानेंगे। सर, सर्वे आया है अभी टीवी 9 का, बता रहे हैं 5 सीट भाजपा के खाते में जा रही है। ये बिल्कुल बकवास सर्वे है, ऐसी कोई बात नहीं है और ना उन्हें ज़मीनी स्थिति का पता है। यहाँ पर लोग जो हैं बीजेपी सरकार से पहली त्रस्त हैं और कोई उनका कोई कंट्रोल नहीं है, महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है, पेट्रोल 100 रुपये के लगभग हो रहा है और हर चीज़ महंगी है और कानून व्यवस्था ठप है, कोई यहाँ कोई कानून व्यवस्था बढ़िया नहीं है और जनता इतनी परेशान है, जनता सरकार को बदलना चाहती है और जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। यहाँ 5 सीटें कांग्रेस की। वोटिंग परसेंटेज देखें तो 100 में से 64% वोट भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा कभी नहीं हो सकता, बीजेपी के पास कुल 33% वोट है, 67% वोट इंडिया के पास है, विपक्षी गठबंधन के पास है और वो 67% वोट जो है उसमें 2-4% ऊपर नीचे हो जाए तो, लेकिन ऐसा आप जो सरकार बीजेपी की है उसके खिलाफ माहौल है और इसलिए सीटें कांग्रेस की फेवर में आने की। सर सर, आप 5 सीटें सर्वे दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जा रहे हैं। देखो, जैसे काम को देखते हुए, विकास की गति को देखते हुए बीजेपी 5 सीट ले जाने की उम्मीद है। बाकी ये चुनाव है, उसमें क्या हो सकता है कुछ नहीं पता, पर विकास को देखते हुए और ये कहना चाहिए चमन, कानून व्यवस्था सब कुछ सही स्थिति को देखते हुए बीजेपी को जाना चाहिए हमारे। 500 सीट भाजपा के खाते में दिखा रहे हैं सर। 500 सीट कांग्रेस को जाएगी क्योंकि बीजेपी ने ईवीएम द्वारा सारी सीटें ईवीएम द्वारा जीत रहे हैं। अगर ईवीएम को हटा दें, एक भी सीट बीजेपी को नहीं जाएगी, सारी कांग्रेस को जाएगी। और इस बार केंद्र में सरकार जो आएगी वो कांग्रेस की आएगी। यदि ईवीएम हटा दी जाए इससे इनकी तरक्की हो रही है, यूपी में हो, फलाना हो, कहीं भी हो, ईवीएम द्वारा ही होता है। अब आप चंडीगढ़ का मसला देख लो, वहाँ आपके और कांग्रेस की 20 सीटें थी, इन्होंने क्या दुनिया के सामने क्या मिसाल पेश की, क्या गणित पेश किया कि 8 सीटें उनकी कैंसिल कर दी और अपनी सरकार बना ली। सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ के फिर भी ईमानदारी बहुत है, सुप्रीम कोर्ट ने वो उसको डिसमिस करके फिर वहाँ आपकी सरकार बनाई। बीजेपी सरकार ने कोई भेल लगाए हो, कांग्रेस में 70 साल में कितने विकास हुए आप ये बताइए। सर्वे के बारे में क्या कहते हैं? सर्वे सही है। सर्वे में ये है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी और यहाँ की सारी 5 सीटें कांग्रेस को जाएगी। आप क्या कह रहे थे सर? मैं ये कह रहा था कि जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए अभी पिछले साल, तो वो अभी ईवीएम और मशीन के द्वारा हुए। मैं इस विभाग में था, भारत निर्वाचन में जिला लेवल पे, पर हमने इसमें पारदर्शिता देखी अपनी आंखों से, जो है इसमें बहुत पारदर्शिता है। आप क्या कहेंगे सर? 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में, विकास कार्यों को देखते हुए बीजेपी ही आएगी। बीजेपी तो 5 सीटें आप उत्तराखंड में भाजपा को दे रहे हैं जी? आप क्या? 5 सीटें भाजपा को ही जाएंगी, जिसमें से एक सीट जो है अपना हरिद्वार विधानसभा का, लोकसभा का, जिसमें से एक सीट को हम मान के चल रहे हैं ये कांग्रेस के खाते में जाएगी। तो फिर 4 हो गए ना? जी 4। तो ये अपना 4 भाजपा को, 1 कांग्रेस को, और जिसमें हम जो देख रहे हैं हमारे पास में जो पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं इस सीट से, मैं बहुत अच्छी पकड़, क्योंकि जैसे इसमें अभी उमेश कुमार जी भी आ रहे हैं और अभी कांग्रेस ने इसमें भी तो किसकी टक्कर मान रहे हैं आप हरिद्वार सीट पर? अभी तो यहाँ भाजपा की रहेगी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की साथ में, त्रिवेंद्र सिंह रावत की। और कांग्रेस की तरफ से आपको कौन लग रहा है, कौन आ रहा है कांग्रेस की तरफ से? तो अभी देखो हमें मामला ये चल रहा है, हरीश रावत जी हैं या उनके बेटे जी। सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि 4-5 सीटें सर्वे तो बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, सर्वे के हिसाब से तो उत्तराखंड में जो सीटें दिखा रहा है 5 है, लेकिन मैं मानता हूँ कि 4 सीटें भाजपा को और 1 निर्दलीय हरिद्वार की रहेगी। कि उमेश कुमार जी जो खड़े हो रहे हैं निर्दलीय, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और अभी जो जैसे बाढ़ वगैरह भी आई थी काफ़ी, उसमें लोगों में उन्होंने अपने आपसी मेल जोल बढ़ा के काफ़ी अच्छा अपना वो कर रखा है स्टैंड। तो उमेश, आप कितनी सीटें भाजपा को उत्तराखंड में दे रहे हैं? 4 सीटें। आप क्या कहें? 5 सीटें भाजपा को। 5 सीटें भाजपा को। चलिए अभी लोगों से, सर आपके पास भी आऊँगा, अभी सर्वे आया टीवी 9 का, 5 सीटें
भाजपा के खाते में पांचों की सीटें पांच भाजपा के खाते में जा रही है। बिल्कुल, मैं भी यही कहूंगा कि पांचों की पांचों सीटें भाजपा के ही खाते में जाएंगी, इसके अलावा और कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। चलिए, अभी हमारे साथ लोग बात कर रहे हैं, उनका साफ कहना उत्तराखंड के लोग हैं कि पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते हैं। हालांकि यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो पांचों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि चार सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं और एक सीट पर कांग्रेस का कब्जा इस बार लोकसभा चुनाव में। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि 2024 में उत्तराखंड की पाँचों सीटें किसके खाते में जाती हैं, ये वक्त बताएगा। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, टीवी 9।